हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथविन। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम देखेंगे नाइन्थ क्लास चैप्टर टू एक्सरसाइज 1.2। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 8। तो यहाँ पे तीन पॉइंट दिए हुए हैं स्टूडेंट। पहला है x = 0, सेकेंड है x = -1 एंड थर्ड है x = -2। तो यहाँ पर हमारे दिए हुए पॉइंट है, इन पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल दिया उसको हम नोट कर लेते हैं। जो हमारा पॉलिनोमियल है स्टूडेंट, 5x - 4x² + 3। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें लिखा है स्टूडेंट x = 0। तो x = 0 पे हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है उसको हम लिख लेंगे p ऑफ x। ये x के फॉर्म में है तो हमने px लिख दिया। p मीन्स पॉलिनोमियल्स हो गया। 5x - 4x² + 3। अब हमारा जो पॉइंट है x = 0, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग x = 0। तो यहाँ पर हम x = 0 पुट करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आएगी हमारी, p ऑफ 0। 5 × x की प्लेस पे हम 0 पुट कर देंगे, -4 × 0² + 3। तो स्टूडेंट देखिए आप, जब हम 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 3। तो p ऑफ 0 = आ गया 0 - 0 + 3। अब हमारी जो वैल्यू आएगी p 0 = 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी दिए हुए पॉइंट पर हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, जो सेकेंड पार्ट है उसमें लिखा है x = -1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पॉलिनोमियल हम लिख लेते हैं, px = 5x - 4x² + 3। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो लिखेंगे पुटिंग x = -1। तो देखिए स्टूडेंट, p - 1 = 5 × -1 - 4 × -1² + 3। p - 1 = स्टूडेंट, 5 के -1 से मल्टीप्लाई करने पर हमको -5 मिलेगा, -4। इसके बाद देखें स्टूडेंट, -1 है होल स्क्वायर लगा, तो माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो -4 × 1 + 3। -5 - 4 = 4 + 3, यहाँ पे p - 1 हो जाएगा। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, p - 1 = अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, -5 और -4 दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, माइनस का 9 आएगा, प्लस का 3। तो हमारी जो वैल्यू मिलेगी लास्ट में p - 1 = -6। यही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट, हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें लिखा है x = -2। अब हमें x = -2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा यहाँ पर हम x के ऊपर -2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x = -2। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट p - 2 = 5 × -2 - 4 × -2² + 3। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए स्टूडेंट, p - 2 = 5 के -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 10 हो जाएगा, -4 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, -2 का स्क्वायर है, तो किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर हम करते हैं, जैसे कि पिछले पार्ट में किया था, प्लस हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो पॉजिटिव में आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 + 3। -10 - 4 = 16 +
थ्री, तो p माइनस टू इज टू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस के नंबर दोनों ऐड हो जाएंगे, p माइनस टू इज टू, माइनस का 26 प्लस का 3, p माइनस टू। अब स्टूडेंट यहाँ पर माइनस के नंबर से प्लस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमको जो लास्ट में आंसर मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 23। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उसके 3 पार्ट थे, यहाँ पर 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। स्टूडेंट जो सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें लिखा है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए सेकेंड क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, और 4 पार्ट हैं, सब में हमको P0, P1 और P2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो फर्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन का है उसको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है PY = Y² - Y+1। अब इस पार्ट में हमको P0, P1, P2 ये 3 वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरीके से इसके जो 4 पार्ट हैं सब में हमको P0, P1, P2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको P0 फाइंड करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर हमको Y की जगह पर 0 पुट करना होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए पुट या पुटी पुट Y = 0। हम यहाँ पे पुट कर देंगे Y = 0। तो जब Y की जगह पर 0 पुट किया जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा P0। जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से है। तो यहाँ पे इसमें P0, P1 दे दिया, उसमें ये नहीं दिया था, केवल वैल्यू कहा था क्या फाइंड करनी। तो यहाँ पे P0 हो जाएगा, तो 0² - 0+1। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 0² 0 होता है, ये 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, हमको केवल 1 मिल जाएगा। तो P0 हमारा जो आया स्टूडेंट वो आ गया है 1। अब इसके बाद में हमको निकालना है P1। तो P1 के लिए हम क्या लिखेंगे, पुट Y = जब Y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा P1 = तो 1² - 1+1 P1। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो इसमें भी हमको 1 वैल्यू फाइंड हो गई। P0 भी 1 आ गया, P1 भी हमारा 1 आ गया। तो P2 के लिए हम लिखेंगे पुट Y = 2, तो P2 = हो जाएगा 2² - 2+1 P2² = 2 का स्क्वायर स्टूडेंट होता है 4 - 2+1 P2 = अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 4 है और प्लस 1 है, दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे, 4 1 हो जाएगा 5। इन दोनों को हम पहले ऐड कर देंगे 5 - 2। अब P2 जो हमको मिल जाएगा 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 मिलेगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारे जो 3 वैल्यू फाइंड करनी थी P0, P1, P2 वहाँ पर फाइंड हो गई है। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। स्टूडेंट जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें लिखा है PT = 2+T + 2T² - T³। हमको इसमें भी वही तीनों वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर T की जगह पर 0 पुट कर देंगे, पुट T = 0, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा P0। तो 2 में कोई वेरिएबल है नहीं, 2 एज इट इज रहेगा, टी की जगह पे 0 लिख देंगे, +2 यहाँ पर टी की जगह पे 0 हो जाएगा, तो 0² - 0³। सिस्टम 0 लिखा है, 2 प्लस ये 0 इसको हटा दीजिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए 0² 0 होता है, तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, -0³ लिखेंगे 0। तो स्टूडेंट देखिए ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 मिलेगा, 0 - 0 0, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2। तो P0 जो आया स्टूडेंट वो आ गया है 2, क्योंकि यहाँ पर हम T के वैल्यू जब 0 पुट करेंगे जितने भी वेरिएबल हैं वो सब 0 हो जाएंगे, केवल जो हमको कांस्टेंट मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमको निकालना है P1, तो P1 के लिए हम स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे पुट T =
वन, तो हमको मिलेगा पी वन। अब जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें देखिए स्टूडेंट लिखा था टू, तो टू की जगह पे टू लिख देंगे, टी की जगह पे आ जाएगा वन प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब। पी वन इज्कवल टू टू प्लस वन प्लस टू, यहाँ पे वन का स्क्वायर स्टूडेंट हो जाएगा वन माइनस वन का क्यूब हो जाएगा वन माइनस का वन। अब यहाँ पे वन और वन माइनस 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 और प्लस कैंसिल हो गए, टू प्लस टू वन जा टू, तो हमें जो पी वन मिलेगा स्टूडेंट टू प्लस टू इज्कवल टू फोर। इस तरीके से हमारा पी वन निकल आया। अब देखते हैं पी टू, तो पी टू के लिए हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम नोट कर पुट टी इज्कवल टू टू, तो पी टू, तो पी टू के लिए यहाँ पर सबसे पहले टू प्लस टी, टी की जगह पर लिखेंगे टू प्लस टू इंटू टू स्क्वायर माइनस टू क्यूब पी टू। टू प्लस टू स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा फोर, यहाँ पे हम पहले ऐड कर दे रहे हैं फोर प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर होता है फोर माइनस टू क्यूब हो जाएगा एट। पी टू इज्कवल टू फोर प्लस टू फोर जा एट माइनस एट, एट प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो पी टू जो हमको मिलेगा स्टूडेंट वो मिल जाएगा फोर। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसके तीनों वाले मिल गए यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है। पी जीरो टू आ गया है, पी वन फोर और पी टू इज्कवल टू फोर। इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है उसमें लिखा है पी एक्स इज्कवल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पर भी हमको वही वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स इज्कवल टू ज़ीरो, तो जब जीरो पुट करेंगे तो हमें मिलेगा पी ज़ीरो इज्कवल टू ज़ीरो क्यूब, तो पी ज़ीरो हो जाएगा स्टूडेंट ज़ीरो, तो ज़ीरो का क्यूब ज़ीरो होता है, ज़ीरो का कोई भी पावर नहीं हो तो ज़ीरो हो जाता है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स इज्कवल टू वन, तो हमको मिलेगा पी वन इज्कवल टू वन क्यूब, यहाँ पे एक्स की जगह पे जब वन पुट करेंगे तो वन क्यूब हो जाएगा, वन का क्यूब होता है स्टूडेंट वन, तो यहाँ पे लिखेंगे पी वन इज्कवल टू वन। अब इसके बाद में हमको पी टू निकालना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे पुट एक्स इज्कवल टू टू, तो ये हो जाएगा हमारा पी ऑफ टू टू क्यूब। तो स्टूडेंट देखिए टू का क्यूब कितना होता है, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, तो ये आंसर हमारा एट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी टू इज्कवल टू एट। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो थर्ड पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट, इसमें लिखा है पी एक्स इज्कवल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर हमको वाई वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए स्टूडेंट इस ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी एक्स इज्कवल टू, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा अलजेब्रा में एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला, देखिए स्टूडेंट ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा बी, बी यहाँ पे वन है तो वन का स्क्वायर वन होता है माइनस वन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए, तो पहले हम लिखेंगे पुट एक्स इज्कवल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे लिखेंगे पी ज़ीरो, तो ये हो जाएगा ज़ीरो स्क्वायर माइनस वन, तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है तो हमको पी ज़ीरो स्टूडेंट मिलेगा माइनस वन। आप जिस तरीके से पॉलिनोमियल दिया था वैसे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आप एक्स के जगह पे ज़ीरो पुट करते हैं यहाँ पे भी ज़ीरो, तो ये जीरो जीरो होता है माइनस वन प्लस वन के मल्टीप्लाई माइनस वन, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम लिखेंगे पुट एक्स इज्कवल टू वन, तो हमको मिलेगा पी वन इज्कवल टू, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे वन स्क्वायर माइनस वन, तो वन का स्क्वायर होता है वन माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको स्टूडेंट मिलेगा पी वन इज्कवल टू ज़ीरो।
इसके बाद में हम टू पुट करेंगे वैल्यू, पुट एक्स इक्वल टू टू, तो यहाँ पर हो जाएगा पी ऑफ टू। तो एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, टू का स्क्वायर होता है फोर माइनस वन, तो हमें पी टू जो मिलेगा वो मिलेगा थ्री। इस तरीके से हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन था उसमें फोर्थ पार्ट थे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।